हेलो, इस वीडियो में जेई मेन 2023 का इंडिफिनाइट इंटीग्रल का ये प्रॉब्लम इंटीग्रेशन सेक 2x माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ dx इक्वल टू अल्फा लॉग ई कॉस 2x प्लस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2x ऑल इनटू 1 प्लस कॉस बीटा या कॉस 1 प्लस बीटा एक्स प्लस कॉन्स्टेंट होने से बीटा माइनस अल्फा, ये बीटा निकालना है एंड ये अल्फा निकालना है और ये दो वैल्यू सेम होना है। यह प्रॉब्लम क्या है, ये इजीली इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन इसको ये फॉर्म में ले जाना है, वो चैलेंज है। इसको इसका इंटीग्रेशन जो भी होगा उसको ये फॉर्म में ले जाके आंसर को लिखना है, फिर कंपेयर करके अल्फा बीटा निकालना है। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ sec 2x माइनस 1 dx, इसको क्या लिख सकेंगे, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय cos 2x माइनस 1 dx। इसको सिंपलीफाई करने से क्या होगा, 1 माइनस cos 2x cos 2x dx सकता है। इसको हम इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x मतलब 2 sin स्क्वायर x और cos 2x मतलब 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इस प्रकार लिखा जा सकता है dx, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x। सो वो फार्मूला का यहाँ पे यूज ज़्यादा होगा। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन रूट 2 sin x dx स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे भी रूट 2 निकाला जा सकता है बाहर, रूट 2 को बाहर लिखने से cos स्क्वायर x माइनस हाफ होगा, 2 को कॉमन लिया बाहर निकाल दिया, रूट 2 कैंसिल। सो अगर लेट cos x इक्वल टू z देन dz इक्वल टू माइनस sin x dx, तो ये sin x dx उधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर इसको I मान लो, दिस इज I, देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस dz स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट 2 होल स्क्वायर। जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, दैट इज इक्वल टू माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग बेसिक मुल्ला सब जेड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मान लो 1/2 प्लस सी कांस्टेंट वहाँ पे है, नो प्रॉब्लम। तो इसको हम जब सब्स्टिट्यूट बैक करेंगे एक्स में, सो जेड इक्वल टू कॉस एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस इसमें 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 प्लस सी, इस प्रकार लिखा जा सकता है, इक्वल टू माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस, ये क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारा आपको कॉस 2x बाई 2 प्लस सी। अब ये और ये कंपेयर करने से क्या होगा, इधर कॉस 2x आ गया लेकिन ये पार्ट नहीं है, कॉस एक्स आ गया, यहाँ पे कॉस 2x है, सो कॉस एक्स और यहाँ पे अल्फा डाला जा सकता है, कुछ भी रियल नंबर।
सो यहाँ पे स्क्वायर करने से कॉस स्क्वायर होगा, जब कॉस स्क्वायर होगा तो कॉस स्क्वायर से कॉस टू एक्स में पहुँचा जा सकता है। सो करेंगे क्या, माइनस हाफ अंदर में स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे कॉस स्क्वायर टू एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे कॉस टू एक्स बाई टू, और प्लस टू आइस ए बी कॉस एक्स, और ये हो गया कॉस टू एक्स बाय टू प्लस सी। सो ये फॉर्म में आ गया, हमको चाहिए ये, तो लिखें क्या लिख सकते हैं, हाफ लॉग, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू एक्स बाई टू प्लस टू, ये कॉस एक्स को भी डाल अंदर डाल देंगे, टू को भी अंदर डाल देंगे, तो क्या हो जा रहा होगा, फोर कॉस स्क्वायर एक्स कॉस टू एक्स बाई टू प्लस सी। सो कॉस स्क्वायर एक्स लॉग टू, टू कॉस स्क्वायर एक्स मतलब कॉस टू एक्स प्लस वन, कॉस टू एक्स प्लस वन कॉस टू एक्स बाई टू, और यहाँ पे क्या हो रहा है, टू और फोर कैंसिल करने से टू 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 कॉस स्क्वायर एक्स मतलब वन प्लस कॉस टू एक्स, तो कॉस टू एक्स लिखेंगे, इसको लिखेंगे पहले, सो यहाँ पे टू कॉस स्क्वायर एक्स जो है उसको लिखेंगे वन प्लस कॉस टू एक्स प्लस सी। सो माइनस हाफ लॉग, ये बेस ई है, बेस ई, यहाँ पे कॉस टू एक्स कॉस टू एक्स टू कॉस टू एक्स, तो टू टू कैंसिल होगा, कॉस टू एक्स प्लस हाफ प्लस इसका रूट ऑफ कॉस टू एक्स वन प्लस कॉस टू एक्स प्लस सी। अभी ये और हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको कंपेयर करने से, देखो कंपेयरिंग इसके साथ कंपेयर करने से अल्फा इक्वल टू माइनस हाफ, बीटा इक्वल टू, यह है बीटा, बीटा मतलब वन बाय वन बाय बीटा इक्वल टू टू, सो बीटा इक्वल टू हाफ। यहाँ पे एक्चुअली एक्स टू एक्स मतलब हमको लिख हम लिख सकते एक्स बाय हाफ, सो वन एक्स बाय दिस एक्स बाय हाफ मीन्स टू एक्स, तो बीटा इज हाफ, देयरफॉर बीटा माइनस अल्फा हाफ माइनस माइनस हाफ इक्वल टू वन, देयरफॉर आंसर वन। सो ये प्रॉब्लम का आंसर है वन।